हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी साबुत मूंग की सब्जी। तो मैंने मूंग को 4-5 घंटा पहले ही भिंगो के रखा है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे उबाल लेंगे। जब तक मेरा मूंग उबल रहा है तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाला है। तेल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें डालेंगे जीरा, दो कटी हुई हरी मिर्ची, एक बारीक कटा प्याज, और प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और हम इसे प्याज में मिला लेंगे। और हमें प्याज को जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे मसाला। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और मसाले को मिला लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और हमें मसाले को 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनना है मीडियम आंच पे। तो मेरा मसाला हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला और इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे उबला हुआ मूंग, और मैंने जिस पानी में उबाला था उसी पानी के साथ मैंने इसमें डाला है। अब मैं मूंग को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए। और मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पका लूंगी ढक के।
हमें ढक के 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है। तो ये देखिए मेरी मूंग की सब्जी बनके तैयार है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है।